नमस्कार, फसुने न्यूज में आप सभी का स्वागत है। खबरों के साथ मैं पूजा सैनी। चलिए शुरू करते हैं खबरें ग्राम पंचायतों की। नागौर के डीडवाना में एक खेत में रविवार की शाम को एक वृद्ध महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। अंदेशा जताया जा रहा है कि लूट के इरादे से महिला की हत्या की गई है। कुछ ही देर में महिला का शव मिलने की सूचना आग की तरफ फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस दौरान हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए मौके पर एफएसएल टीम बुलाएगी, जिसने मौके से सबूत जुटाए। इस दौरान भारी संख्या में वाली समाज के लोग एकत्रित हो गए और हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर लाडनू रोड फाटक पर जाम लगा दिया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के बासनी थाना क्षेत्र के सरस्वती नगर में अपहृत बच्ची को पुलिस घटना के 6 घंटों में ही दस्तियाब कर लिया। पुलिस ने अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ करने में जुटी है। संभवतः पुलिस की सतर्कता और नाकाबंदी से घबराकर आरोपी बच्ची को मधुबन इलाके में छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस को एक वारदात में कुछ और लोगों के भी शामिल होने का शक है। शहर में नाकाबंदी करवाने के साथ घटनास्थल का मौका मुआयना कर रास्ते में लगे सीसीटीवी फुटेज देखे तो बाइक पर एक आरोपी बच्ची को ले जाते हुए दिखा। पुलिस की सख्ती और त्वरित कार्रवाई से घबराए आरोपी ने शाम को बच्ची को मधुबन इलाके में छोड़ दिया। इस पर पुलिस ने बच्ची को दस्तियाब कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। बीकानेर के शोभासर में शोभासर जलाशय अब खूनी होता जा रहा है। लगातार एक के बाद एक हादसे यहां हो रहे। हादसों से परेशान ग्रामीणों ने अधिकारियों का घेराव करते हुए जलाशय पर सुरक्षा की मांग की। गांव का एक व्यक्ति कल शाम जलाशय में डूब गया था। सुबह जलाशय में शव के मिलने पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने रोष जताया और कहा कि जलाशय में बार बार हादसे हो रहे, लेकिन प्रशासन की ओर से सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए जा रहे। ऐसे में तब तक शव नहीं लिया जाएगा जब तक जलाशय की सुरक्षा नहीं कर दी जाती। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। पुलिस का भारी जाब्ता भी लगाना पड़ा। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा के निकटवर्ती रघुनाथपुरा गांव के पास शनिवार दोपहर में नाले में बही गर्भवती महिला का शव रविवार शाम को निकाल लिया गया। करीब 27 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गोताखोरों ने महिला का शव निकालने में सफलता प्राप्त की। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तहसीलदार अजय सिंह राठौर दूसरे दिन स्वयं गोताखोरों के साथ नाव लेकर नाले में उतरे। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर ही मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा। शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया, जहां परिजनों ने देर शाम अपने गांव ले जाकर शव का दाह संस्कार किया। अजमेर जिले के मसूदो उपखंड के ग्राम उत्तमी में एक दंपत्ति के झगड़े में करीब एक साल से अपनी मां के साथ रह रही मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया है। बच्चे के पिता ने अपनी पत्नी पर बच्चे की मौत का इल्जाम लगाया। बच्चे के पिता की ओर से मसूदा थाने में रिपोर्ट दर्ज देने के बाद भी एसडीएम तहसीलदार थानाधिकारी की मौजूदगी में बच्चे के शव को कब्र से निकलवाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। धौलपुर जिले के वसेरी थाना क्षेत्र में देर रात दीपक गिर जाने से एक नवविवाहिता गंभीर रूप से झुलस गई। 80% से अधिक झुलसी हुई नवविवाहिता को देर रात गंभीर हालत में मंगल सिंह चिकित्सालय की बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया, जहां महिला की हालत गंभीर होने पर उसे इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। बसेरी के गुलावली गांव में देर रात को महिला रसना ठाकुर बिजली नहीं होने के चलते दीपक की रोशनी में खाना बना रही थी, तभी अचानक महिला के कपड़ों पर केरोसिन से भरा हुआ जलता हुआ दीपक गिर गया। दीपक के गिर जाने से महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे लेकर उसके परिजन देर रात को मंगल सिंह हॉस्पिटल पहुंचे, जहां महिला को हालत गंभीर होने पर उसे रेफर कर दिया गया। झुंझुनू के खेतरी में पुलिस ने वन विभाग की टीम से मारपीट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन पूर्व वन विभाग के खेतड़ी के क्षेत्रीय वन अधिकारी ने अवैध खनन रोकने गई टीम से मारपीट करने, जब्त किए ट्रैक्टर को जबरन छुड़वाने और राजकार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज करवाया था। कुछ आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। भरतपुर के वैर में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी को चोट आई। सॉफ्टबॉल खेलते समय चोट लगी, 108 एम्बुलेंस के जरिए उसे सीएसटी में भर्ती कराया गया। बंदबेठा में ये खेल प्रतियोगिता चल रही है। सुरोही के पिंडवाड़ा में अज्ञात वाहन ने रामदेवरा यात्री को टक्कर मार दी। हादसे में यात्री की मौत हो गई। पिंडवाड़ा ब्यावर फोरलेन पर हादसा हुआ। शव को मोर्ची में रखवाया गया और पुलिस जांच में जुटी है। टोक्यो नियारे में सड़कों के बीच झुंडों में बैठे आवारा पशुओं से परेशानी बढ़ गई है। वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। कई बार तेज वाहन चालक के टक्कर से पशु घायल हो रहे, लेकिन प्रशासन सुध नहीं ले रहा। झुंझुनू के नवलगढ़ में ग्राम पंचायत तुगड़ा गांव में मुख्य बाजार में जमे गंदे पानी से लोगों को परेशानी हो रही है। कई बार उच्च अधिकारियों को शिकायत के बावजूद भी उचित एक्शन नहीं लिया जा रहा।
ग्रस्तियों के कामों में उत्तरी भारत प्रसिद्ध भोजन थाली परिक्रमा मेला आगाज से ही इसमें अव्यवस्था देखी। उद्घाटन में भी कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा। नगर पालिका के कुछ पार्षद ने भी दूरी बनाई। मेला ग्राउंड में रोशनी का अभाव दिखा, साथ ही सफाई व्यवस्था भी ताकवर दिखी। करौली के चौदह भीम में सरकारी कामकाज को अधिकारी और कर्मचारियों ने मजाक बना रखा। कर्मचारी अपनी मर्जी से लेट आ रहे हैं, लेकिन कर्मचारी को समय पर जाते हुए देखा जा सकता। वहीं लोग भी खासा परेशान हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है। अलवर के रामगढ़ मेवा क्षेत्र में हथकर शराब की बिक्री का धंधा जोरों पर है। जंगल में भुट्टियां भी धधक रही है। हथियारबंद लोग बाइक से सप्लाई करते हैं। पुलिस शराब तस्करों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। सवाई माधोपुर के चोटका बरवाड़ा में पुलिस ने हथकर शराब बेचने के आरोप में कंजर बस्ती निवासी विजेंद्र और सारसोप निवासी प्रभु को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 8 लीटर अवैध हथकर शराब बरामद हुई। चूरू के सरदार शहर में आवारा पशुओं को लेकर आमजन खासा परेशान। आवारा पशु गली सड़कों पर नजर आ रहे हैं। मेगा हाईवे पर भी पशु घूम रहे हैं, जिससे रोजाना दुर्घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। चूरू के सुजानगढ़ में गणेश चतुर्थी पर मंदिरों में भीड़ लगी है। ऋषि मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा। लक्ष्मीनाथ मंदिर में भी भीड़ उमड़ी। भरतपुर के बयाना में रोडवेज का बस स्टैंड दुर्दशा का शिकार हो रहा है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। इसके चलते यात्रियों को खासा परेशानी हो रही है और सुविधाएं भी इनको नहीं मिल रही। चूरू के तारानगर में पूर्व सांसद राम सिंह कस्वा ने तारानगर क्षेत्र का दौरा किया और ग्रामीणों की परेशानियां सुनी। चूरू के रतनगढ़ में पारिवारिक झगड़े में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वार्ड 27 में कल रात की घटना है। 55 वर्षीय लक्ष्मी प्रजापत को चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां से उसे रेफर कर दिया गया। अजमेर के विजयनगर में पालिका प्रशासन द्वारा ट्रैक्टर और जेसीबी में खुले में कचरा परिवहन किया जाता है। गौरव पथ राजकीय स्कूल के सामने सड़क पर कचरा पात्र बनाया गया। चारों ओर गंदगी का ढेर फैला रहता है। अजमेर के भिनाई में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हुआ। सिंधु दुर्ग की टीम फाइनल मुकाबले में विजयी हुई। श्रीनगर मसूदा उप विजेता रही। मुख्य अतिथि उप जिला प्रमुख और प्रधान रहे। जालौर के रानीवाड़ा क्षेत्र में ग्राम पंचायतों की ओर से बस स्टैंड समेत अन्य जगहों पर लगाई गई सोलर लाइट्स काफी समय से खराब पड़ी है। रात में यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जालौर के छतलवाना में हाड़ेश्वर ग्राम पंचायत की ओर से बस स्टैंड के लिए भूमि आवंटित करने के बाद भी बजट के अभाव में बस स्टैंड नहीं बन सका है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। जालौर के आहोर उपखंड क्षेत्र में मोबाइल सेवा नेटवर्क नहीं मिलने से ये लड़खड़ाई हुई है। लोगों को मोबाइल पर साफ आवाज तक सुनाई नहीं दे रही। जालौर के सांचौर में उपखंड मुख्यालय पर स्थित डाक बंगले में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। बाहर से आने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए रुकने की व्यवस्था नहीं है। जालौर के जसंतपुरा में प्रसिद्ध सुधा माता मंदिर के आसपास पाबंदी होने के कारण भी वन क्षेत्र में लगातार अवैध निर्माण हो रहे हैं, पर जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंद कर सो रहे हैं। सिरोही के शिवगंज में बिजली खंभों पर बरसाती बेर और तारों के जाल से करंट का सबब बना हुआ है। डिस्कॉम के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। आए दिन खंभों में करंट के प्रवाहित होने की शिकायतें मिल रही है। कोटा के इटावा में निमुला पंचायत के आरामपुरा गांव के मुख्य मार्ग पर भारी कीचड़ फैला है। ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। जैसलमेर के रामगढ़ में पुलिस थाना रामगढ़ में सीएलजी बैठक आयोजित हुआ। उप अधीक्षक नरेंद्र कुमार देवी की अध्यक्षता में बैठक ली गई। मौके पर थाना अधिकारी, सरपंच और ग्रामीण मौजूद रहे। पुलिस ने कस्बे में सीसीटीवी कैमरे लगाने की जरूरत बताई। अजमेर के नसीराबाद में टैंकर से दूध चोरी का गोरख धंधा पकड़ा गया, जहां पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। अजमेर के मसूदा में 9 दिनों पहले लापता युवक और युवती के शव खेत पर मिले, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू की तो जहरीली दवा खाने से मौत की वजह पता चली। अजमेर की बिसानगर पंचायत समिति में आमजन की खातिर बने सूचना के केंद्र की धज्जियां उड़ रही है। यहां 2.5 महीने गुजर जाने के बाद भी कोई भी ठोस कदम अभी तक नहीं उठा दिखा है। और खबर पंचायत में फिलहाल वक्त तो चला ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।